हेलो भाई, तो तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और नई वीडियो जिसमें तुमको बताएगा कि दूर से बिना कुछ भी बोले आंटी को कैसे पटा सकते हैं। हाँ, सही सुन रहे हो, बिना कुछ भी बोले और दूर से, जितनी भी दूर आंटी रहे, बस वो तुम्हारे नजर में होनी चाहिए और तुम उसको तुरंत पटा लोगे। तो भाई, अब तुमको लग रहा होगा कि भाई बिना कुछ भी बात किए, बिना कुछ भी इशारा करे उनको कैसे पटा सकते हैं, वो भी इतनी इतनी दूर से। तो भाई आज तुम्हारा भाई यही बताएगा। तो भाई तुमको करना क्या है, तुमको ये करना है कि तुमको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। अगर स्किप किए तो भाई भाभी तुमसे या आंटी तुमसे 1 घंटा नहीं पटेंगी, चाहे तुम दूर रहो, पास रहो या एकदम चिपके रहो उनसे। तो भाई तुमको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आओ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो भाई सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, भाई सबसे पहले अगर तुम भाई दूर से आंटी को अगर तुम पटाना चाहते हो ना, तो भाई सबसे पहले तुमको अच्छा कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके जाना पड़ेगा आंटी के सामने, क्योंकि भाई वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं होने वाला है ना। तो भाई तुमको दूर से ही अच्छे दिखना है। तो भाई जब तुम अच्छे दिखोगे तो भाई तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। जो तुमको भाभी पसंद है, जो तुमको आंटी पसंद है, उनको तुम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इम्प्रेस कर सकते हो। तो भाई अगर एक बार वो इम्प्रेस हो गई ना भाई, तो भाई तुम उनसे बातचीत बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई तुम कुछ भी नहीं तुमको करना, भाई तुम जहाँ पे भी जा रहे हो ना, अगर तुमको आंटी पटानी है बिना कुछ भी रिस्क लिए, तो भाई तुमको स्टार्टिंग में सबसे पहले तो भाई तुमको बहुत ही अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, तुमको अच्छा दिखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को आंटी को पटाने के लिए। तो भाई तुमको दूसरे नंबर पे क्या करना है, तुमको ये करना है कि भाई तुमको आंटी को देखना है, तुमको देखना है जब तक वो पलट के तुमको ना देखे, और तुमको वो देखेंगी तब जब तुम बहुत ही अच्छा दिखोगे। तो भाई जब वो तुमको देखे और भाई तुम फिर उनको एक पलट के स्माइल करना, अगर भाई वो स्माइल करती हैं तो भाई तुम्हारा रास्ता आधा क्लियर है। वो अपने पति से खुश नहीं है इसलिए वो तुम्हारे पे आना चाहती हैं। तो भाई तुम अगर उनको एक बार स्माइल करके देखते हो और अगर वो भी स्माइल करती हैं दूसरे साइड से, तो भाई तुम वहाँ पे समझ जाना कि वो भी तुमको अच्छा सोच रही हैं, वो भी तुमको लाइक करती हैं। और भाई जब वो इतना हो जाए कि वो तुमको देख रही हैं, तो भाई एक बार देखेंगी तो नहीं, जब 2-3 बार तुमको देख रही हैं और हर बार देख के भाई उनका इम्प्रेशन, उनका एक्सप्रेशन उनके मुंह पे, चेहरे पे अलग है बार बार, तो भाई तुम वहाँ पे भी समझ जाने कि वो तुमसे सेट होने के लिए तैयार है। तो भाई तुमको फिर क्या करना होगा, तुमको भाई थोड़ी देर पे अगर वो तुमको देख रही है ना, तो भाई एक हल्की सी आँख मार दो ऐसे करके, ठीक है, समझ गया। तो भाई जब उनको तुम एक हल्की सी आंख मार दोगे तो भाई वो तुमसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कहेंगी यही है जिससे मैं फिर से पटूंगी। अपने वो पति को भूल जाएंगी और भाई वो तुम्हारे पे आ जाएंगी, वो तुमसे पट जाएंगी। तो भाई तुमको क्या करना है, जब वो तुमको देखने लगे तुमको एक प्यारी सी आंख मार देनी है ऐसे, तो भाई वो तुमसे तुरंत पट जाएंगी। तो भाई तुमसे भाभी पट चुकी हैं। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं ब्रो, लव यू।